Hi beautiful angels, this is Mystic Sea from Magic Wands Tarot Hindi Urdu friends और ये है आपके लिए next 30 days कैसे होने वाले हैं love, work और career में for signs। जी हाँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है। क्योंकि actually I don't know, मैं बोलते बोलते भूल गई थी बीच में अभी मुझे याद आया कि अच्छा मुझे क्या बोलना है, एक सेकंड में स्नैप ऐसे याद आ गया। सो इट वाज वेरी फनी। मुझे लगा था कि आई जस्ट फॉरगॉट यू नो कि मैं क्या बोल रही थी बीच में ऐसा आपके साथ होता है, कभी होता है ना, एंड स्पेशली जब आप बहुत सारा मल्टीटास्क कर रहे हो या ऐसा कुछ हो रहा है तो। या एनीवेज, बैक टू द रीडिंग फ्रेंड्स। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है। वैसे आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट हर वेबसाइट। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, ऑल्सो टाइमलेस है। एंड लेट्स सी अर्थ साइंस आपके लिए क्या होने वाला है इस महीने, ये देख लेते हैं। और अगर आप चांस पे का कार्ड रीडिंग देखना चाहते हो फ्रेंड्स तो मैंने कर दी है इस महीने की मेन चैनल पे चांस के साथ, जल्दी से जाके चेक कर लो। महीना काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, सो प्लीज़ चेक दैट आउट। लेट्स सी अर्थ साइंस के लिए क्या है। मुझे तो आप पार्टी करते लग रहे हो, आई डोंट नो, आई कीप हियरिंग दैट सॉन्ग ब्राज़ील। I don't know, you remember that song? काफ़ी पुराना गाना है but it's a party song, so या तो आप अभी पार्टी कर रहे हो या आपके मन में चल रहा है कि कहीं पार्टी करने जाएं, you know, like you wanna have some fun Let's see earth signs, what's the theme for earth signs? Ooh, family का कार्ड गया, 10 of cups जो fly off हो गया। Okay, 3 of pentacles, Queen of swords, amazing, क्या बात है world। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी आपके लिए अमेजिंग मंथ रहने वाला है। इस महीने आपके लिए काफ़ी सारे कंप्लीशंस हो सकते हैं, अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। आई ऑल्सो फील हो सकता है आपको शिफ्ट या रीलोकेट करने का मौका मिले, या आप कहीं घूमने जाना चाह रहे थे। द वर्ल्ड, सो या द वर्ल्ड इज़ कॉलिंग यू, वो जगह आपको बुला रही है, आ जाओ चलो चले मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स, आप नए लोगों से, नए कल्चर से कनेक्ट करोगे, नए तरह के खाने से, लाइक यू नो यू वांट, यू लुकिंग फॉर समथिंग न्यू इन लाइफ। 3 of pentacles, इस महीने आपको काफ़ी सारी हेल्प और सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे वर्क में हो, चाहे लव में हो, चाहे फैमिली के साथ हो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। Queen of swords, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रेंड्स आपके लिए। आई फील ये महीना ऐसा है फ्रेंड्स कि अगर आप मन में ठान लो तो आप, ऐसा कुछ है नहीं जो आप पा ना सको। यू नो, ये मंथ थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकता है आपके लिए। यू मे फाइंड दिस मंथ अ लिटिल, नेक्स्ट 30 days थोड़े से इमोशनल लग सकते हैं आपको। आप जो भी चीज़ आप इस महीने करोगे उनको लेके आप बहुत ही दिल से सोचोगे और आपके इमोशंस बिल्कुल उसमें यू नो डूब के आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, अपना वर्क है, करियर है। आई ऑल्सो फील काफ़ी रोमांटिक या ड्रीमी हो सकता है ये नेक्स्ट 30 days। बट वन थिंग इज़ देयर फ्रेंड्स के अगर आप ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है आपके लिए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू अर्थ साइंस। कम्युनिकेशंस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, या जितना आप मतलब एक्सप्रेस करोगे खुद को उतना अच्छा रहेगा। आई ऑल्सो फील के थोड़ा सा आपके दिल और दिमाग में आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। लाइक समटाइम्स यू विल बी लाइक ओ आई एम सो इमोशनल, हो सकता है थोड़ा सा, मतलब आई फील लाइक यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा है कि हाउ टू बैलेंस। कई बार आपको लगेगा कि यू आर बीइंग टू इमोशनल, तो अगर आपको अपना Queen of swords एनर्जी या King of swords एनर्जी लाना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, एनालिटिकल हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपना इमोशनल एनर्जी भी लाना पड़ेगा, थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। बट आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी अर्थ साइंस आपके लिए नेक्स्ट क्या होगा 30 days में। सो वाओ, इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट 30 days फॉर अर्थ साइंस, व्हाट्स हैपनिंग। वाओ अर्थ साइंस, क्या बात है, पता नहीं, आई कीप हियरिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स फ्रेंड्स। आप लोग गाने सुन रहे हो, या ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा म्यूज़िकली अच्छा रहेगा। आई डोंट नो, क्रिएटिव मंथ भी है। वो एक गाना मुझे याद आ रहा है, एंड आई डोंट नो, आई थिंक ये सिम्बॉलिक है आपके लिए, लाइक इसका कुछ महत्व है आपके लिए। वो एक गाना है ना, जिसका तुम्हें था इंतज़ार, लो वो घड़ी आ गई। बहुत पुराना गाना है, मैंने पर्सनली कभी नहीं सुना है और मुझे आज ही सुनाई दिया इसी वक्त। सो आई डोंट इवन नो ये कहाँ से आया है गाना। आप सुनिएगा, जिसका तुम्हें था इंतज़ार लो वो घड़ी आ गई, राइट। सो आई थिंक समथिंग यू वर वेटिंग फॉर, वो घड़ी आ रही है। ओह आई एम प्रेस। सो फ्रेंड्स येस, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप बहुत ज़्यादा यू नो फोकस्ड हो खुद के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर। आई ऑल्सो फील आप अपने गोल्स ड्रीम्स को लेके बहुत पैशनेट फील करोगे। स्पेशली अगर आप एक मदर हो तो आप अपने बच्चों को, फैमिली को लेके भी काफ़ी स्ट्रांगली फील कर सकते हो। यू ऑल्सो अगर आपकी कोई यू नो मदर इन लॉ है तो उनको लेके या फैमिली को लेके आप काफ़ी अटैच्ड फील करोगे। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू गेट प्रेगनेंट, अगर आप चाह रहे हो वो सब। या देयर कुड बी लाइक यू नो कुछ आपको हो सकता है कि यू नो लाइक आई डोंट नो हाउ टू से दिस, लेकिन यू हैव टू, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो करियर में तो उसको लेके आप बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्टिव रहोगे। कुछ भी हो सकता है, आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसको लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे कि अरे मेरे प्लांट्स को ख़राब मत करो, है ना। और मतलब यू आर वेरी लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ पीपल, थिंग्स एंड ड्रीम्स लाइक वेरी पर्सनली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील करोगे फ्रेंड्स स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर ही। आई ऑल्सो फील यहीं पे आपको थोड़ी दुविधा हो सकती है कि यार दिल की सुने या दिमाग की, थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। आई ऑल्सो फील स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप अपने करियर पे काफ़ी शाइन आउट कर रहे हो, लोग काफ़ी आपको देख रहे हैं, अटेंशन आप पे है। एंड चैरियट येस, आई फील ट्रैवलिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। हो सकता है आपको काम के लिए ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है प्यार के लिए या फैमिली के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली आपसे मिलने आ रही है। सो ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली देयर, बट फन ट्रैवलिंग आई फील अच्छा रहेगा ट्रैवल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो वाओ ये महीना आपके लिए फ्रेंड्स फॉर्च्यून में चेंजेस लेके आ रहा है, लक चेंज होने वाला है आपके लिए। कामिक जो भी पुरानी साइकिल्स थी वो पूरी होंगी और कुछ नया शुरू होगा इस महीने आपके लिए। आई फील डेफिनेटली अगर आप आउट ऑफ जॉब थे, आपको जॉब नहीं मिल रहा था, तो यू आर गोइंग टू फाइंड एक स्ट्रोक ऑफ लक आपको मिलेगा और आपको नया जॉब मिल सकता है। या प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो वो मिल सकता है। या आपके साथ जैसे कोई पैसा वगैरह आपको बढ़ाना था, बोनस देना था, नहीं दे रहे थे, वो मिल सकता है। सो समथिंग लकी विल हैपन इन योर लव योर करियर सॉरी। एंड द फूल येस, आपकी लव लाइफ में एक बहुत ही प्यारा नई शुरुआत आ रही है फ्रेंड्स। हो सकता है कि आप काफ़ी यू नो जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में थे, आपके पार्टनर नहीं मिल पा रहे थे, तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए जहाँ आपके पार्टनर हैं। या आप जहाँ कहीं नया पढ़ने जा रहे हो या जॉब करने, वहाँ पे आपको एक नई पार्टनरशिप मिल जाए। आई फील आपकी लव लाइफ काफ़ी लकी है फ्रेंड्स इस महीने। सो काफ़ी डेस्टाइंड आपके लिए फेटेड इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में। सिक्स ऑफ कप्स येस, आई फील आप और आपके पर्सन यू नो यू विल फाइंड अ सोलमेट इस महीने। या आप बहुत क्लोज आ सकते हो अपने पर्सन के साथ, जो भी आपके पर्सन है। अगर आपके बीच उनके बीच दूरियां भी थी तो वो कम हो जाएंगी। एंड आई फील देयर कुड बी अ चांस ऑफ फैमिली एक्सपेंशन, अ सरप्राइज एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, सो कीप दैट इन माइंड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई फील फ्रेंड्स मिड ऑफ द मंथ आप अपनी काम को लेके काफ़ी श्योर रहोगे, लीडरशिप रोल में रहोगे। आप एक किंग वाली जो ये यू नो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, इसमें रहोगे। येस डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही पैशनेट रहोगे आप। आई फील फ्रेंड्स आप बहुत क्लियर हो मिड ऑफ द मंथ, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आई फील मिड ऑफ द मंथ एक अच्छा टाइम है टू सेव योर मनी। हो सकता है आपको बहुत मन करे कि यू नो ज़्यादा पैसा खर्च कर दे, बिजनेस में लगा दे, इन्वेस्ट कर दे, डबल कर ले। सो प्लीज़ बी केयरफुल, थोड़ा सा आप संयम बरतें पैसे को लेके मिड ऑफ द मंथ, क्योंकि मुझे लग रहा है आप खर्चा ज़्यादा कर दोगे भावनाओं में बह के, और उसके बाद आपको लगेगा अरे यार गलत कर दिया, थोड़ा कम करना चाहिए था, राइट। आई डोंट सी अ लॉस, लेकिन आई सी कि आपको ऐसा लग सकता है अरे यार हम तो कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गए थे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली मिड ऑफ द मंथ आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगी। सो फैमिली की तरफ से आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, कुछ मनी वगैरह का गिफ्ट मिल सकता है, तो आप उसको संभाल के रखिएगा, वेस्ट ना कीजिएगा, सेव इट फॉर द फ्यूचर। आई ऑल्सो फील आपकी लव लाइफ के अंदर फ्रेंड्स हो सकता है आप किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, या तो वो मैरिड है या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। सो यू हैव टू डील विद योर फैमिली इन लॉज, मिड ऑफ द मंथ एंड में फ्रेंड्स आप बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश और पावरफुल रहोगे। आई ऑल्सो फील आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है एंड ऑफ द मंथ पे, या आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो या बहुत ज़्यादा पार्टी कर सकते हो। सो दैट्स द एनर्जी आई फील। मुझे लगा ही था शुरू में कि आपका पार्टी करने का मन है, तो आपको मंथ एंड तक मिल जाएगा पार्टी करने को। लेकिन फ्रेंड्स हो सकता है कि आप अति पार्टी कर लें या अति काम कर लें या अति ज़्यादा ही कुछ अति में खा लें, तो अति ना करें और मध्य में रहें। टू ऑफ पेंटिकल्स, या आप बहुत बिजी रहने वाले हो फ्रेंड्स मंथ एंड पे। मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी सोशलाइजिंग हो सकती है, हो सकता है फैमिली वेडिंग वगैरह पे जा रहे हो आप, पार्टी पे जा रहे हो, क्योंकि इंगेजमेंट हो रही है। आई ऑल्सो फील अगर आपकी कोई नई रिलेशनशिप है तो उसमें काफ़ी सेक्सी टाइम आप दोनों के बीच रहेगा। और आप सिंगल हो तो काफ़ी आप फ्लर्ट वगैरह कर रहे हो या काफ़ी लोग आपको फ्लर्ट कर रहे हैं। सो येस, 9 ऑफ कप्स अगेन सेलिब्रेशंस। सो मंथ एंड पे आपको काफ़ी ढेर सारी खुशियाँ या कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है टॉरस आपका बर्थडे ही हो मंथ एंड के ऊपर। सो या दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। सो हैप्पी बर्थडे टॉरस। देखा, मुझे याद था, मुझे आपका बर्थडे याद था। हाँ, मुझे आपके लिए बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं फ्रेंड्स। आई डोंट नो आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, मुझे नहीं पता या इस महीने क्या चलेगा, लेकिन या तो आप बहुत गाने वाले हो या मुझे लगता है आपको गाना गाना सीख लेना चाहिए या म्यूज़िक सीखना चाहिए, या एक्चुअली आपको जाके अच्छे गाने सुनना शुरू कर देना चाहिए, या आप मिस आउट कर रहे हो या तो गाने में, ऐसा लग रहा है। कौन सा गाना आ रहा था मुझे याद, हाँ, देखो मैंने देखा है ये एक सपना। बाय गॉड, मैं अगर गाऊंगी तो आप लोग भाग जाओगे, मैं भी भाग जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मुझे खुद को अपना गाना पसंद नहीं है। एनीवेज, देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना, राइट। मैं यहाँ हूँ तुम कहाँ हो, मैं आई 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 आ जा, राइट, दैट सॉन्ग। ओ वाह, कमाल है, आज पूरे लिरिक्स याद थे, ये। सो चैलेंजिंग टाइम्स, येस फ्रेंड्स। थोड़ा सा आपको ये महीने के अंदर मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, अगर आप करंटली कोई चैलेंज फेस कर रहे हो सकता है जॉब को लेके, प्रेशर्स को लेके, या फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है आपके लिए, या कुछ अनबन चल रही है, दैट विल हील। चेंजेस आर कमिंग, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, आपको संयम रखना है। हेल्पलेस है, होपलेस। या फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारा काम अकेले करने की कोशिश करोगे इस महीने। आप वर्क में बिजी हो, लव में बिजी हो, फ्रेंड्स के साथ बिजी हो, लेकिन आप सब कुछ अकेला करना चाहते हो। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, थोड़ी सी आपको ऐसा लग सकता है कि इमोशनली हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, मेंटली हमें कोई समझ नहीं रहा है। ऐसा होता है ना कई बार कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें लगता है क्या यार, कोई हमारे दिमाग को ऐसे ही पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता है, या क्या यार हमारे दिल कुछ और चाहता है, आई डोंट नो, दिल तो बच्चा है जी, राइट। आई डोंट नो, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट्स नॉट अराउंड यू, और उसको लेके आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हो कि अरे यार हमें ये भी मिल जाता, हमें वो भी मिल जाता और अच्छा हो जाता। लाइफ इज़ नॉट बैड फॉर यू बट इट फील्स लाइक यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा। ओ गॉड फ्रेंड्स, थोड़ी सी एन्जाइटी हो सकती है आपको, थोड़ा सा डर हो सकता है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बट आई फील इट्स अ गुड मंथ कि आप उससे रिकवर करो। यू हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ एंड फोकस। इट्स टाइम टू मूव ऑन अर्थ साइंस, इट्स टाइम टू मूव ऑन। हो सकता है आपको कोई पुराना जॉब या रिलेशनशिप या कोई पास आपका बचपना वगैरह कोई चीज़ है जिससे आपने दूरी बनाई है। आई फील वहाँ पे एक बहुत ही प्रोफाउंड हीलिंग हो रही है अर्थ साइंस आपके लिए। ये बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है आपके, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बहुत सारे लेवल्स पे आपके लिए ये महीना चलेगा। आपकी इमोशनल लाइफ पे, आपका पास्ट लाइफ, आपकी जो चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, आपके जो डर, आपका करियर को लेके क्या, आपके फ्यूचर को लेके क्या। तो बहुत सारे लेवल्स पे आप काम कर रहे हो इस ईयर, इस मंथ के अंदर और इस ईयर में भी। आई फील सो आपने जो भी कुछ खोया है या आपको लगता है आप अरे जैसे होता है ना, हमारा बचपन निकल गया यार, अब मज़ा नहीं आ रहा यार, कॉलेज चला जाएगा, फिर कैसे करेंगे हम। डोंट वरी, हीलिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू फ्रेंड्स, गुड हीलिंग। आई ऑल्सो फील आपकी रिलेशनशिप्स में या आपकी हेल्थ में काफ़ी हीलिंग है इस महीने। सो या गेट रेडी फॉर दैट। ऑल्सो आपको थोड़ा, मैंने जैसे कहा बैलेंस बनाना है, तो वो बैलेंस आप बना लोगे। थिंक लाइक एन एयर साइन, राइट। या आप चैनल वॉच कर लेना फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज मी दैट्स हेल्पिंग यू आउट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी पर्सन, सो अर्थ साइंस। थैंक यू एंजल्स, आप भी क्या क्या बताते हो सच में। सो डेफिनेटली आई थिंक ये चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, सो आपको तो देख लीजिएगा प्लीज़। आई थिंक दिस इज़ यहाँ से वो रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे जैसे आप बह रहे हो ना, थोड़े से ज़्यादा इमोशंस हो गए या थोड़े से आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, तो यू विल फाइंड द बैलेंस जस्ट बाय थिंकिंग ऑल्सो। मैजिक वांड्स टैरो, राइट? एडवाइस, हारमोनी। ओहो, हारमोनी और रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, सोल्यूशंस आ रहे हैं फ्रेंड्स। यस, गुड गुड गुड। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड या थोड़ा सा आपको सेंसिटिविटी हो सकती है फ्रेंड्स के अरे यार होता है ना, अरे यार। आई कैन हेयर यू फ्रेंड्स, आई कैन ऑनेस्टली आई कैन हेयर यू एंड आई नो इट्स गोना बी फाइन। थोड़ा सा आप सेंसिटिव फील कर सकते हो। अरे हम कुछ नए कॉलेज में जा रहे हैं, कैसा लगेगा? हम नए जॉब पे जा रहे हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कैसा लगेगा? आपकी कहीं बाहर शादी वगैरह हो रही है या आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो अब्रॉड रहते हैं या आप जॉब के लिए अब्रॉड ट्रिप पे जा रहे हो, यूर लाइक डर लग रहा है, तो इट्स ओके, यू विल बी फाइन। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। जी हाँ, आपके लिए ढेर सारे मिरेकल्स आ रहे हैं इस महीने। यस यस यस। What else? Turn on your love light. ओहो, क्या बात है। So, बिल्कुल आप अपने प्यार मोहब्बत कुछ यू नो दिए जलाए रखें। Dwell on what you love. I feel friends आप लोग हो सकता है ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आपने क्या खो दिया, क्या पा दी। ओह सॉरी फ्रेंड्स, देखो मरकरी रेट्रोग्रेड अभी हुआ भी नहीं है और ऑलरेडी इश्यूज़ हो रहे हैं। सो चलो बच गए, गिरा नहीं कैमरा। वाओ, ओके। सो पास्ट में ना सोचें फ्रेंड्स, फ्यूचर पे सोचें। इट्स टाइम टू फॉरगिव, इट्स टाइम कि आप अपने आप को फॉरगिव करें एंड रिमेंबर यू हैव व्हाट इट टेक्स। सो आप बहुत अमेजिंग हो फ्रेंड्स। बिलीव इन योरसेल्फ और साइंस एंड सब्सक्राइब मैजिक वांड्स टैरो हिंदी उर्दू अभी के लिए। बाय बाय।